चाहे महीने बाद खाएं, चाहे 2 महीने बाद खाएं, चाहे 4 महीने बाद खाएं, पर जो ये मज़ा आता खा के, अमेजिंग आता है। जरूर विजिट करो इत्थे सारे। अब मेरा मगर ध्यान नहीं हट रहा। इनके साथ रिलेशन है बहुत पुराना, मतलब मे बी 40 ईयर्स बैक। तो तब से ही टेस्ट चले आ रहा है, वही टेस्ट है, इट्स रियली गुड। तो कई बार होता है ना, जैसे कि फिल्म शुरू होने से पहले ही हिट हो जाती है, टीज़र ही लोगों को इतना पसंद आया था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लगी है मुझे, लोगों को यहाँ का टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद है। What's up guys, hope you're having a great time। अमृतसर की एक नई वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर है। आज एक ऐसी जगह पे हम आए हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की और बोला कि यहाँ पे जाइए और इनकी ब्रेंकरी खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो जब भी आप कोई ऐसी जगह के बारे में बताते हैं, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोग हैं रंजीत एवेन्यू में, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पिज़ेरिया इस मार्केट में है, उसके बिल्कुल सामने है राहुल चिकन कॉर्नर। और यहाँ पे आज हम बेहतरीन सा नॉनवेज खाएंगे। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, पूरा आपको टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, मज़ा आएगा आपको। सर ये बेसिकली जो है ये काम मेरे दादाजी के टाइम से चलता आ रहा है और मैं 3री जनरेशन हूँ उनकी, और मैं और मेरे पापा हम दोनों मिलके इस काम को करते हैं। 2007 में रंजीत एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमने ये काम को शुरू किया था, और आप सबके प्यार की वजह से गाड़ी चल रही है, बढ़िया सब चल रहा है, और वही सब रेसिपी, वही सब टेस्ट, वही पुराना सब मेथड वगैरह आज भी वैसा ही सब चल रहा है। सर ये जैसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं, पहले ब्रेन करी जो हमारी स्पेशलिटी है, अभी आप देख रहे हैं ब्रेन है, ठीक है। वैसे तो राहुल जी ये डिफरेंट कैसे है ब्रेन करी, अगर हम बात करें कि जो बहुत बार हमने खाई है या मेरी वीडियोस के माध्यम से काफ़ी हमने जगहों पे हमने ब्रेन करी कवर की है, तो कैसे आप कहोगे कि ये डिफरेंट है थोड़ी? ज़्यादातर लोग जो है ब्रेन को घी में पहले भूनते हैं, पर हमारा मेथड उल्टा है। हम ब्रेन को पहले ग्रेवी में बनाते हैं, पकाते हैं, देन लास्ट में उसे हम घी में फाइनल, ठीक है, मतलब पहले हम ग्रेवी डाल देते हैं जी और ग्रेवी में ही हम भूनते हैं उसको, हाँ, ब्रेन को जी सर। ओके, जैसे आपकी चॉइस है, ब्रेन को आपने मोटा खाना है, ब्रीक खाना है या मीडियम खाना है, जैसे आप बोलोगे वैसा बनेगा, वो कस्टमर चॉइस होगी। गार्निश के लिए इसमें जैसे हमने सर अभी हरा धनिया डाला है, ठीक है, अगर आपकी चॉइस है आप इसमें चाहे अदरक डलवा लो, हरी मिर्ची डलवा लो, या और प्रिपरेशन सारी देसी घी में रहती है? सारी देसी घी में है सर, सब देसी घी में, मटन चिकन सब सब एवरीथिंग सब देसी घी में है, और इसकी जो ग्रेवी है ये मटन की है ये। सो जैसे कि अब हम स्पाइसेस डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, थोड़ी लाल मिर्ची और गर्म मसाला। भाई ये पंजाब के स्पेशल खाने हैं, लोग दूर दूर से आते हैं देसी घी वाले ब्रेन करी टिक्के ये सब चीज़ें खाने। तो ये तो हमारे सब्सक्राइबर्स का प्यार है जो हमें ऐसी जगहों के बारे में बताता है और हम खींचे चले आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, ठीक है, ये रोगन वाला देसी घी है, ओके, इसमें ऐड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटच, ठीक है, इससे ज़्यादा, तो ये और फ्लेवर इसको एनहांस कर देगा इस तरह, राइट जी? राइट। ब्रेन एकदम नीचे लग रहा है ये ऐसे, okay। अब हम इसको मसाले की खुरचन बनाएंगे। अरे वाह, ये अलग चीज़ है ये, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ना कि खुरचन है, इसे ही मसाले को बीच में एड ऑन किया जाएगा, ये जितना भी है इसको पूरा आयरन से निकाला जाए एकदम खींच के, ठीक है, किसका स्वाद बाहर निकले। ये ब्रेन करी हमारी रेडी है, ब्रेन हमारा फुल रेडी हो गया है, आप देख रहे हो कि रोगन अपना छोड़ गया वो और ब्रेन ने अपना पोर्शन अलग ले लिया है, तो नाउ बी दैट्स बी अ कम्प्लीट।
और क्या कॉस्ट क्या है इसकी ब्रेन की? सर इस ब्रेन की कॉस्ट है 320 320 नाउ फाइनल जो हमारा ब्रेन करी है वो रेडी है। ठीक है यार ये लुक देखो इसके ऊपर गार्निश के लिए अगर थोड़ा सा धनिया डालना चाहे डाल दें। ठीक है और अगर कस्टमर कहे कि उसे अदरक का स्वाद चाहिए तो आप इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हो हल्का। सर इनका स्वाद बहुत बढ़िया ना अपने फ्रेंड ना फैमिली ना स्पेशली टेस्ट करना आना तो देसी घी बनाते सारा समान बहुत डिलीशियस है जरूर विजिट करो इतने सारे। अब मेरा मगर ध्यान नहीं हट रहा। सर हूँ असं नैक्सट आइटम बना जा रहे हैं मटर रोगन जोश। जिस तरह तुम देख लिया पहले कि मटन की ग्रेवी ऑलरेडी ये प्लेन जा चुकी है हूँ असं इस पीस पाने हैं मटन के। ठीक है जिस तरह कि तुम पीस देख सकते हो अगर कस्टमर चाहे अपनी मर्जी का पवा सकता है या असी अपने तरीके या अपनी चॉइस से पा सकते हैं जिस तरह कि यह असं पाने ये चाप मछली ऊठ नलकी इस तरह के साथ को पीस होंगे है। ठीक है असी वो पीस एड ऑन कर देते तो बेसिक इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर प्याज वाला प्यूरी। ठीक है इसका केसरी कलर है एक मसाला इसको मटन को जो है ये अपना रोगन देगा। ठीक है मटन को अपना मसाला इसको चॉप मसाला भी कहते हैं चॉप मसाला भी कह सकते हैं राइट। देख रहे हो कि आप टमाटर प्याज का ही है मसाला। ठीक है और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनका मटन रोगन जोश भी है ये भी देसी घी में ही प्रिपेयर होगा। और इसकी क्या कॉस्ट रहती है राहुल जी? इसकी सर 350 है पर प्लेट। इसमें चार पीस आएंगे तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो भी नॉनवेज के आइटम्स है वो 300-350 नियर अबाउट इतनी है। स्टार्ट होगा लास्ट 350-350 तक आना है। ठीक है अब इसमें वही सेम मसाले जो पहले ब्रेन में गए थे गरम मसाला लाइट रखना है ताकि मटन अगर हम खाएं तो हमारा भी है ना जलन शुरू हो जाए। ठीक है एकदम लाइट बिल्कुल स्पाइसेस रखने इसमें। ओके इट्स लाइटली स्पाइस्ड एंड वेरी लेस एसिडिक। तो ये आ गए अदरक के जूलियंस। जैसे कि सर ये मटन ने अपना मसाला जो है सुखा लिया है एकदम अब इसमें वही सेम हम रोगन डालेंगे। मटर रोगन जोश का मतलब है ये एकदम बिल्कुल ड्राई हो ये। ठीक है एकदम बिल्कुल ड्राई होना चाहिए सिर्फ मटन और इसके साथ जो मसाला जो है बिल्कुल मटन के अंदर चला जाए ऐसा गाढ़ी गाढ़ी सी सूखा सूखा सा इसका रहेगा एकदम इसे हमें सुखा देना। ठीक है इसमें ना ही कोई क्रीम क्रीम डालनी है ना कुछ सिर्फ देसी टोटल देसी स्वाद में। अच्छा ये ऑप्शन आपके पास है आप यहाँ पे आते हो तो आप चाहो तो ग्रेवी लिक्विड ग्रेवी भी ले सकते हो मटन करी टाइप वो भी यहाँ पे आपको आपके टेस्ट के अनुसार राहुल जी बना के आपको दे देंगे। तो बहुत कम जगह हैं अमृतसर में जहाँ पे आपको इस तरह का मटन रोगन जोश मिल जाएगा। कोई अलग ऐड नहीं है ग्रेवी कुछ अलग ऐड नहीं होगा ग्रेवी में। तो ये मटन का शोरबा टाइप है कुछ मेरा ख्याल से ये मटन का ही है ये जैसे इसमें सब पहले होल स्पाइसेस डाल के उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है फिर मटन को भून के उसको कलर दे के ग्रेवी को और लास्ट में इसमें स्पाइसेस डाल के ग्रेवी को फाइनल टच दिया जाता है। तो सारी जो अपनी प्रिपरेशन है चिकन हो मटन हो उसमें यही जाएगा उसमें सब में यही ग्रेवी जाएगी एक ही ग्रेवी जाएगी। तो ये भी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ आपने बताई है कि अगर चिकन भी हम खा रहे हैं तो उसमें वो भी मटन की ग्रेवी जा रही है। तीसरी आइटम बने जा रही है चिकन मसाला। चिकन मसाला ठीक है इसमें 6 पीस आएंगे सर। और क्या कॉस्ट रहती है इसकी? सर इसके होगा 340 340 इसी में भी जैसे सर वही सेम मसाला। ठीक है चॉप मसाला जाएगा तड़के वाला इसमें ऐड हो गया। अब इसमें रोगन हम पहले डालेंगे। ओके चिकन में रोगन हम पहले डालेंगे। ठीक है तो इसमें हम पहले क्यों डाल देते हैं रोगन क्या फ़र्क आ जाता है? ताकि चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता चिकन रबड़ ना हो इसलिए रोगन का पहले ऐड किया जाता है इसमें। बाकी सब में रोगन लास्ट में डाला जाता है इसके ग्रेवी के साथ ही रोगन डाल देना आपने। ठीक
स्पाइसी सब ठीक है लाइट लाइट से और इसको हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखते हैं राइट इसको ड्राई नहीं करना ठीक है इसलिए इसमें रोगन साथ साथ ही ऐड करी जाना है कि इसको रोगन सुखाना नहीं है रोगन ग्रेवी के साथ ही चला जाए ऐड ऑन हो जाए और ग्रेवी जो है ऐसे ठीक है तो ग्रेवी पतली ग्रेवी रहेगी या थिक ग्रेवी रहेगी इसमें थिक होगी सर थोड़ी थिक होगी ड्राई नहीं होगा ये ठीक है और साथ में आपको ऑप्शन मिल जाएगी या तो तवा रोटी या तो इसके साथ सर तवा रोटी और या कुलचे कुलचे अमृतसरी कुलचे खमीर वाले जी चिकन में हमारे पास क्या क्या आइटम्स रहती हैं राहुल जी इसमें चिकन मसाला है चिकन पालक है चिकन बोनलेस है चिकन करी है ठीक है ये सब आइटम्स हैं चिकन okay. अगर आप इसमें चाहें तो पालक भी ऐड ऑन कर सकते हैं okay. अगर आप चाहें तो इसमें पालक का भी फ्लेवर डाल सकते हैं तो पालक बेसिकली क्या होता है सूखी पालक होती है ग्रेवी बना कर ग्रेवी वाली पालक ग्रेवी में अच्छा पालक बीट करके उससे रख दिया जाता है इसमें चाहे आप पालक की ऐड कर सकते तो हम डाल देते हैं हम डाल सकते हैं ये तो अच्छी लग ही रही है शक्ल इसकी तो ये तो अच्छा ही होगा पालक वाला भी टेस्ट करते हैं कर देते हैं कर दो अब इसमें हम पालक डालेंगे पालक की ये ग्रेवी है जो इन्होंने तैयार करके रखी हुई है। पालक बीट करके इसमें हमने पालक ऐड कर दिया ठीक है तो ये टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा जो ऑलरेडी हमारी ये चीज बन रही थी इसका टेस्ट इससे डबल हो जाएगा सर। चिकन मसाला बन रहा था हमारा बन रहा पालक वाला चिकन मसाला पालक वाला चिकन मसाला क्या बात है यार ये तो आपने रंग रूप ही बदल दिया एकदम से तो ये आपके पास ऑप्शन है आप कभी भी आएंगे आपको चिकन मसाला खाना तो यू हैव दीज टू ऑप्शन विद यू यू कैन इधर ट्राई चिकन मसाला और चिकन वाला पालक मसाला तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया तो इसको फिनिश करते हैं फिर आपको टेस्टिंग पे मिलते हैं पालक चिकन मसाला तो जनाब इतना खूबसूरत सा यहाँ पे स्प्रेड है हमारे पास नॉनवेज का दिखा देता हूँ आपके पास क्या क्या है इस टाइम हमारे पास ठीक है ये इनका पालक वाला चिकन मसाला है ठीक है ये बहुत बढ़िया लग रहा है इसकी कॉस्ट है 340 रुपये उसके बाद ये है मटन रोगन जोश ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा रहता है सूखा सूखा सा रहता है जैसे मटन सूखा भी इसको आप बोल सकते हो और ये रहता है 350 का इसमें 4 पीस आते हैं और उसके बाद आती है ये ब्रेन करी और ब्रेन करी की कॉस्ट है 320 रुपये और एक ही आपको सैलड भी दिखा देता हूँ ये सैलड मैंने ना थोड़ा सा टेस्ट किया और बहुत ही इंतहाई मुख्तलिफ किस्म का ये सैलड है इसमें अदरक लहसुन और नींबू जाता है तो ये भी बहुत मज़ेदार है कभी भी आप यहाँ पे आने का मौका मिले तो ये सैलड मिस मत कर देना साथ में आती है तवे पे घर जैसी सिंपल सी पतली सी चपाती और ये तो रह ही नहीं ना सकता अगर नॉनवेज यहाँ पे है तो अमृतसरी कुलचा तो आएगा ही आएगा तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये स्प्रेड ठीक है पार्टी हो रही है आज यहाँ पे तो नॉनवेज कभी भी आपको खाना हो ना रंजीत एवेन्यू जैसी जगह पे आप ढूंढ रहे हैं कोई ऑथेंटिक नॉनवेज बनाता हो तो राहुल चिकन कॉर्नर ठीक है फ़िलहाल हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं तो पहले मैं चिकन मसाला के साथ टेस्ट शुरू करने लगा ये भी थोड़ा सा ड्राइश रहता थोड़ा सा लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट वाओ लाजवाब है यार इतने अच्छे से चिकन कुक हुआ है कि देखो मतलब टूटता ही जा रहा है ये देखिए ओए होए होए देखा आपने इतने प्यार से टूट गया माइंड ब्लोइंग यार बहुत ही मज़ेदार है ये चिकन मसाला इनका पालक बीच में कूट कूट के डाली गई है इसमें ग्रेवी डाली थी इन्होंने पालक की पीस भी बहुत ज़बरदस्त हैं ओह मटन रोगन जोश है ठीक है और थोड़ा ड्राइश रहता है ये देखिए यार ये पीस देखो यार कितने मज़ेदार से सॉफ्ट से
इतना अच्छे से गला हुआ है, पका हुआ है, इसको तो मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा। ओह वाव यार, इंतहाई मज़ेदार, दिस इज एब्सोल्यूट जेम। अमृतसरी कुलचे के साथ ट्राई करते हैं। और ये जो इनका मसाला है ना, इसमें भी जान है यार। ये देखो बाइट, लेट्स हैव, ट्राई करते हैं। अनबिलीवेबली गुड। मुझे पता है ये ब्रेन करी भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब है वो चीज़ जिसके बारे में हमने सुना और यहाँ पे हम स्पेशली आए। और लुक एट दीज चंक्स ऑफ ब्रेन करी, वाओ, लेट्स टेस्ट। हो, क्या खिला रहे हो यार राहुल भाई, मज़ेदार यार, इंतहाई मज़ेदार यार, क्या ब्रेन करी है यार, सीरियसली। इसीलिए मुझे ना सब्सक्राइबर्स से अपना बहुत प्यार है यार। आई मीन ऐसी ऐसी जगहें आप हमें बताते हो और हमें जब टेस्ट अच्छा लगता है, रिव्यू करते हैं, ये जायका आप तक पहुँचाते हैं ना, तो एक बड़ा प्राउड सा मोमेंट होता है कि यार अमृतसर में हो या कोई भी और सिटी में हो, ऐसे ऐसे जेम्स हम ढूंढते हैं, तो ये मस्ट है यार, आपको यहाँ पे आके खाना ही खाना है इनका। वाओ, दिस कंप्लीट मील, दिस एंटायर पैकेज, आई विल गिव इट 5 स्टार्स। दिस इज द प्लेस नॉट टू बी मिस्ड। जैसे ही आप ये वीडियो देखें, साथ के साथ आप यहाँ पे चले आइए, दोस्तों के साथ आइए, फैमिलीज के साथ आइए और ये मज़ेदार सा खाना खाइए। आपको मैं राहुल भाई का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको प्री ऑर्डर करना है, आप यहाँ पे आ रहे हो तो हमको पहले से ऑर्डर कर सकते हैं, आके यहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिए। मिले हैं हम आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।